हेलो फ्रेंड्स, आज एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है रिसर्चर्स के लिए, पीएचडी स्कॉलर्स के लिए और जो मास्टर्स करते हैं जिनको डेजर्टेशन सबमिट करनी होती है। अक्सर मैंने देखा है जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज रहते हैं अपने डेजर्टेशन टॉपिक के लिए, पीएचडी टॉपिक के लिए कि वो क्या करें, और जितना वो कंफ्यूज रहते हैं टॉपिक से उससे ज़्यादा वो डरे रहते हैं किसी नए टॉपिक पर काम करने से। मुझे समझ में नहीं आता कि आप किस तरह की रिसर्च करना चाहते हैं। आप ऐसी रिसर्च करना चाहते हो जिस पर ऑलरेडी बहुत काम हो चुका है, या आप वास्तव में कुछ नया करना चाहते हो? तो पहले तो आपको ये पता हो कि रिसर्च क्या है। तो लेम मैन की लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं सर्च अगेन। आपने पढ़ा, फिर से पढ़ा, और उसके बाद आपको लगा कि कुछ कुछ मिसिंग है, उस पर आपको काम करना है। तो पहला तो मेरा मैसेज ये है कि ट्राई टू फाइंड आउट रिसर्च गैप, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिसर्च गैप कैसे पता पड़ेगा? तो रिसर्च गैप आपको ऐसे पता पड़ेगा कि आपको पढ़ना है, जितना ज़्यादा पढ़े आप रिसर्च आर्टिकल पढ़िए, आप टेक्स्ट बुक पढ़िए, आप किसी ऑथर की ओरिजिनल बुक पढ़िए। उसको पढ़ने के बाद आपको आइडिया पड़ेगा कि वो सब्जेक्ट एक्चुअल में है क्या, और ऐसी कौन सी बात है और कौन सा डायमेंशन है जिसके बारे में बात नहीं करी गई। तो वो जो डायमेंशन है जिसके बारे में बात नहीं करी गई, दैट इज कॉल्ड रिसर्च गैप। तो उस पर आपको काम करना है। तो दूसरा चीज कि ट्राई टू मेक नोट्स, आपको लिखना है। तो कई बार क्या होता है कि थॉट आता है आपके दिमाग में, और उस समय तो आपके माइंड में है मगर दो चार दिनों में वो गायब हो जाता है। तो वो थॉट हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट हो, उस पर हो सकता है कि हम अच्छा रिसर्च आर्टिकल लिख सकते हैं, हो सकता है उस पर्टिकुलर थॉट पे हम एक क्या है बुक लिख सकते हैं या एक पीएचडी कर सकते हैं, मगर आपने उसको फॉर ग्रांटेड लिया और वो चला गया, गैप हो गया, पता नहीं पड़ा, भूल गए। तो आप नोट्स बनाने की आदत डालिए, जिससे क्या है वो आज नहीं तो कल जब आपका ध्यान गया, जब आपके पास टाइम है, आप उस पर काम कर सकते हैं। दूसरी चीज है नोबिलिटी, नया होना चाहिए। देखिए हमारे आसपास बहुत कुछ क्या है हो रहा है, और प्रॉब्लम क्या है कि हम इतना कंफर्ट जोन में रहने लगे हैं कि वो जो हमारे आसपास सराउंडिंग्स में जो चल रहा है वो हमें दिख नहीं रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस सब्जेक्ट के में रिसर्च कर रहे हैं। आप सोशोलॉजिकल स्टडी कर सकते हैं, आप साइंटिफिक कर सकते हैं, आप कोई भी कर सकते हैं। तो वो आपको अपने आसपास देखना है और पता लगाना है कि इसमें कुछ क्या हो रहा है। और बिलीव मी, हम हमेशा कुछ ना कुछ नया हो रहा होता है हमारे आसपास। अनफॉर्चुनेटली हम लोग उस एंगल से देखते नहीं, हमें लगता है तो छोटी सी बात है, पर वही छोटी सी बात जब कोई लिखता है और जब आप पढ़ते हो तो आपको लगता है यार ये मतलब ये क्या है, ये इतना पॉपुलर हो गया और हमने हमें इसके बारे में पता था पर हमने उस एंगल से सोचा नहीं। सो दैट इज विथ आल्सो रिसर्च, पेटेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में यही प्रॉब्लम आती है। आसपास है, आपको लगता है कि इस पे काम होना चाहिए, ध्यान नहीं दिया, किसी ने ध्यान दे दिया, उसके पास पेटेंट हो जाता है और आपको लगता है यार क्या फालतू का पेटेंट है, मगर आपको हैरानी होगी कि उस फालतू की चीज से उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए। फॉर एग्जाम्पल बनाना, सबको पता है कि बनाना जो है वो सीधा नहीं होता है, बच्चे ऑफिस में ले जाते, बच्चे हैं वो अपने स्कूल ले जाते हैं, ऑफिस में लोग ले जाते हैं, पर जैसे बैग में रखोगे तो देयर इज अ ग्रेट प्रोबेबिलिटी कि वो दब जाएगा, जिसके वजह से आप वो कंज्यूमेबल नहीं रहता है और इनफैक्ट चीज़ों को खराब भी कर देता है। तो एक ने क्या करा, प्लास्टिक का डिज़ाइन बनाया बनाना शेप का, और उस पर बनाना कह रख दिया, और वो क्या है फोल्डेबल था, उसको बंद कर सकते थे, और उसके बाद टोटल सेव था। उस छोटी सी चीज का उसने क्या है पेटेंट लिया और उसने क्या है करोड़ों रुपए कमाए, जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो इसी तरह से बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसका पेटेंट हो सकता है, मगर हमने उस एंगल से सोचा नहीं, क्योंकि हमारे लिए तो पेटेंट बड़ी चीज है, कुछ बड़ा करना है। ठीक है, इसी तरह से हर सब्जेक्ट में होता है, हमें लगता है कि हमें कुछ बड़ा करना है, तो हमेशा बड़ा करना के चक्कर में हम कई बार इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर जाते हैं और उसका बेनिफिट दूसरे लोग जाते हैं। तो जो हमारे यूरोपियन फ्रेंड हैं जिसके बोले या अमेरिकन फ्रेंड हैं उनके बारे में बात करें, वो छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान करते हैं उस पर लिखते हैं और उनका रिसर्च हो जाता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कभी भी कोई एक नए टॉपिक के बारे में लेके आता है जिसके बारे में काम नहीं करा, जैसे ट्राइबल सोसाइटी। तो मुझे याद है कि जो हमारे यहाँ VC सर थे मिस्टर कपूर,
उन्होंने क्या है उनके जस्टिस मैकेनिज्म के बारे में बात करा कि जो ट्राइबल सोसाइटी है अगर उनके सामने कोई केस आता है तो उसको ट्राई कैसे करते हैं, क्या ऐसे ही कर देते हैं या उसका कोई प्रोसीजर है। तो उन्होंने उस प्रोसीजर को स्टडी करा, दैट वाज एम्पेरिकल स्टडी। बहुत बड़ी बात है आज इंडिया में खासतौर पर कि 30 साल पहले किसी ने एम्पेरिकल स्टडी करी हो। इंटरेस्टिंग, क्योंकि उसके बारे में हमें ज्यादा नॉलेज नहीं है। मॉडर्न लीगल सिस्टम है, अच्छी बात है, हमें पता है, बट हमें ट्रेडिशनल सिस्टम की भी नॉलेज होनी चाहिए। और ये एक हमारी कहीं ना कहीं ड्यूटी बनती है उस हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने, और प्रोटेक्ट अगर नहीं भी कर पाते तो किसी उसको लिख तो लें, समस्त क्या ऐसा सिस्टम था वो आने टाइम में, हो सकता है उसको कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर पाए। हमें से कितना लोग उसको जानना चाहते हैं। तो ग्रोथ के नाम पे हम क्या है अपने रूट से कट गए, अपने लोगों से कट गए। तो रिसर्च आप जब करें तो इसका भी ध्यान रखें कि उसका फायदा लोगों को मिले। तो अगर आप वो रिसर्च करेंगे जिससे आप उस ट्राइबल सोसाइटी के हेल्प कर सकते हैं, या एबोरिजिनल्स हैं उनके हेल्प कर सकते हैं, या कॉमन पर्सन जो डे टू डे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनके बारे में कुछ कर पाएंगे, तो दैट विल मेक यू हैप्पी। तो आई एम ए यूटिलिटेरियन, मैं अक्सर बोलता हूँ कि आप वो काम करो जिससे लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो। तो आज के टाइम में वैल्यू एडेड क्या है, सर्विसेज का वैल्यू, और द सेम वैल्यू एडेड रिसर्च का। तो रिसर्च खाली इसलिए नहीं करना चाहिए कि आपको बस पेज भर दिए और आपको पीएचडी मिल गए, यू नो आपने मास्टर्स कंप्लीट कर लिया। नहीं, जो भी आप कर रहे हैं दैट मस्ट ऐड वैल्यू टू द सोसाइटी। तो मुझे आपसे बस यही रिक्वेस्ट करनी है कि पहला तो नए एरियाज को आइडेंटिफाई करिए रिसर्च के लिए जिस पे काम नहीं हुआ है, और इतनी हिम्मत आप में होनी चाहिए कि आपको जज्बा होना चाहिए कि कुछ भी हो इस पे भले मटेरियल नहीं मिल रहा है बट मुझे इस पे रिसर्च करनी है और मुझे उस सोसाइटी को कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना है। दूसरा तरीका आसान है, लिटरेचर रिव्यू करिए, पढ़िए ज्यादा से ज्यादा, और रिसर्च गैप पता लगाइए। जिस पल आपको रिसर्च गैप मिल जाएगा उस पर आप क्वालिटी आर्टिकल रख सकते हो, और साथ में आप अपना पीएचडी उस पर कर सकते हो, अपना मास्टर्स यू नो थीसिस सबमिट कर सकते हो। तो आज के लिए यही मैसेज है, और रिसर्च रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्यूरीज हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड आई होप आपको क्या है मैं गाइड कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच।